क्या आप मानोगे कि ये वीडियो एक्चुअली में एआई द्वारा क्रिएट किया गया है। यार एक बार आप इसकी लाइटिंग के ऊपर नजर डालो, स्किन के टेक्सचर के ऊपर नजर डालो, पीछे जो मूवमेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट चेहरे पे कैसे पड़ रहा है उसके ऊपर नजर डालो। हर एक चीज अल्ट्रा रियलिस्टिक है और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था लूमा एआई के ड्रीम मशीन के ऊपर। मैंने ओपन एआई के सोरा के बारे में बात करी थी, गूगल वीओ के बारे में बात करी, क्लिंग एआई के बारे में बात करी, पर एक चीज है जो डेफिनेटली मिस हो गई इन सभी चीजों के बारे में बात करते करते, वो है रनवे एमएल का जनरेशन 3 अल्फा। खैर वो वीडियो मैंने 15 जून को किया था और ये जो अपडेट आया है रनवे एमएल का, ये आया था 17 जून को। तो इंक्लूड करना भी चाहता तो करता कैसे। पर एनीवेज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अमेजिंग एआई टूल है ये कितना पावरफुल है और किस चीज को करने के लिए सक्षम है। आपको इस पूरे वीडियो में भर भर के इसी टूल द्वारा क्रिएटेड जो वीडियोस हैं देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस टूल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है। जेन 3 अल्फा इज द फर्स्ट ऑफ एन अपकमिंग सीरीज ऑफ मॉडल्स ट्रेन्ड बाय रनवे on a new infrastructure built for large scale multimodal training. It is a major improvement in fidelity, consistency and motion over generation 2 and a step towards building general world model. बहुत ही क्लियर मतलब यह है कि इस Gen 3 का जो फोकस है वो होगा क्वालिटी के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर और मोशन के ऊपर। Gen 3 Alpha सिर्फ और सिर्फ AI वीडियो क्रिएट करने के लिए नहीं है। Gen 3 Alpha रनवे के टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू इमेज टूल्स को पावर करता है। और इतना जरूर नोट कर लेना कि रनवे का Gen 3 Alpha इज नॉट पब्लिक किया। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट सम मोर फीचर्स, कुछ ऐसे वीडियोस के ऊपर नजर डाल लेते हैं विद सम मोर डिटेल्स ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टूल एक्चुअली में कितना पावरफुल है। नाउ लुक एट दिस वीडियो जो क्रिएट किया गया है बाय गिविंग दिस प्रॉम्प्ट, एन एम्प्टी वेयरहाउस डायनेमिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाय फ्लोरा दैट एक्सप्लोड फ्रॉम द ग्राउंड। इतनी ज्यादा स्मूथ मूवमेंट, इतनी अमेजिंग तरीके से लाइट का यूसेज और जितना आपको फ्लेयर नजर आ रहा है जहां पे जो लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं, शैडोज हैं, हर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में नजर आ रही है। नाउ ये वाला वीडियो जो अंडर वाटर यहाँ पे क्रिएट किया गया है यूजिंग FPV शॉट, इसका प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली हैविंग अमेजिंग डिटेल जो एकदम रियल लगती है। वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट इज दिस वन जहाँ पे अल्ट्रा फास्ट डिसओरिएंटिंग हाइपरलैप्स क्रिएट किया गया है टनल से निकलते हुए रैपिडली ग्रोइंग वाइंस में, और इतना अमेजिंग लगता है ये जहाँ पे लाइट, शैडोज, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग इज मच मोर डिटेल्ड और हर एक चीज का जो मूवमेंट है वो भी काफी स्मूथ है। एक और ये वाला वीडियो जहाँ पे जूमिंग इन हाइपर फास्ट डैंडिलियन के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है जो काफी मैक्रो है एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को दिखाने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड डिटेल्ड। वहीं पे एक हाइपर रियलिस्टिक वीडियो जो FPV है, इंटरनल लोकोमोटिव कैब ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट हाइपर स्पीड इन एन ओल्ड यूरोपियन सिटी। इतना स्मूथ, इतना रियलिस्टिक कि मुझे एक्चुअली में भरोसा ही नहीं हुआ था पहले कि ये AI द्वारा क्रिएट किया गया। इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है फाइन ग्रेन टेम्पोरल कंट्रोल। अब ये चीज क्या है ये मैं आपको कुछ वीडियोस के थ्रू दिखाता हूं। लुक एट दिस वन, इसका जो प्रॉम्प्ट है आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैक्रो को जूम आउट करते हुए एक काफी स्ट्रॉन्ग वाइड वर्ल्ड को दिखाया गया है जो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, टेम्पोरली डेंस कैप्शंस हैं और इमेजिनेटिव ट्रांजिशंस को ओपन करता है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। लुक एट दिस अमेजिंग प्रॉम्प्ट जहां पे सुनामी कमिंग थ्रू एन एले इन बुल्गारिया डायनेमिक मूवमेंट। इतना अमेजिंग तरीके से डिटेल्ड हाइपर रियलिस्टिक वीडियो है कि मजा ही आ जाता है। चलो एक और दिखाता हूं। इतना अमेजिंग डिटेल्ड कैसल के अंदर थ्रू अ क्लिफ, बहुत ही अमेजिंग, और अंदर फायर की डिटेल्स तो भाई क्या ही कहना। एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है यहाँ पे कि आपको फोटो रियलिस्टिक ह्यूमंस नजर आते हैं। अगेन आई वॉक द टॉक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। चलो अब इस वीडियो को देखिए। एक सिनेमैटिक वाइट पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन विद हिज फेस लिट बाय द ग्लो ऑफ अ टीवी। अनदर एग्जांपल, लुक एट दिस वन जहां पे क्लोजअप पोर्ट्रेट है एक वुमन का सिट बाय द साइड, द कैमरा पुल्स बैक, बहुत ही अमेजिंग लाइट फ्लेयर, अमेजिंग टैटूज डिटेल। एक और एग्जांपल जहां पे दिस इज अ जूम इन शॉट एक यंग वुमन का जो भी काफी रियलिस्टिक है। एक और स्ट्रॉन्ग फीचर यह है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अपनी क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज को थोड़ा चैलेंज करना चाहते हैं, जो इमेजिनेशन है उसको रियल में लाना चाहते हैं, तो दिस टूल कैन ऑल्सो हेल्प यू इन क्रिएटिंग सम मैजिक। दिखाता हूं क्या। नाउ लुक एट दिस वीडियो, ये प्रॉम्प्ट है जाइंट स्ट्रेंज क्रिएचर वॉकिंग इन रन डाउन सिटी एट नाइट। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, और अगर आपकी कोई मूवी, कोई शॉर्ट मूवी में अगर आपको इस तरीके के क्लिप में ऐसे क्रिएचर को दिखाना है बहुत अमेजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ मैन मेड ऑफ रॉक्स वॉकिंग इन द फॉरेस्ट फुल बॉडी शॉट, बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में ये कोई क्रिएचर है हमारी मूवी में। नेक्स्ट वन यहाँ पे स्लो सिनेमैटिक पुश इज ऑन एन
ऑस्ट्रिच स्टैंडिंग इन 1980s किचन। इसी के अलावा ऐसी और काफी सारी चीजें हैं जो रनवे ML का जेन 3 अल्फा कर सकता है। जब ये पब्लिकली रिलीज होगा, जो क्रिएटिविटी की बाउंड्री सामने आने वाली है यूजर द्वारा, वो डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग होगी। एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे इसको टेस्ट करने के लिए मौका मिले और मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मैं अगर कोई प्रॉम्प्ट देता हूं तो कैसा रिजल्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ये सारे तो डेफिनेटली अमेजिंग है, पर हम करते हैं तो कैसे होता है वो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।